दोस्तों भारत देश शुरुआत से ही खेल कूद में दूसरे देशों के मुकाबले आगे रहा है और पिछले कुछ वर्षों से तो इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि खेलों की वजह से समाज में लड़का और लड़की के भेदभाव को लेकर काफी कमी भी देखने को मिली। और दोस्तों हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इसमें हमारे सिनेमा जगत का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में अक्सर लोगों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आती हैं। और आज के स्टेडियम में मैं भी 10 ऐसी ही स्पोर्ट्स मूवीज को लेकर हाजिर हूँ जो बेहद तौर पर आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने का काम करेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में नंबर 10th पोजीशन पर जो फिल्म है उसका नाम है सूरमा। 2018 में रिलीज हुई ये मूवी रियल लाइफ हीरो संदीप सिंह की स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी में दिखाया गया है कि संदीप सिंह जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, गलती से गोली लगने की वजह से उनका शरीर लकवा ग्रस्त हो जाता है और फिर वह दोबारा से कमबैक करने का फैसला करते हैं और भारतीय हॉकी टीम को जीत की तरफ ले जाने के लिए अपनी विकलांगता पर काबू पाते हैं। फिल्म में हॉकी प्लेयर संदीप सिंह का किरदार निभाया है पंजाब के एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने और साथ ही में तापसी पन्नू और अंगद बेदी ने भी फिल्म में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 47 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो इस फिल्म के लिए इतने अच्छे नहीं रहे लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को खूब सराहा गया। इसी तरीके से नंबर 9th पर जो मूवी है उसका नाम है सुल्तान। सुल्तान मूवी जो कि 2016 में रिलीज हुई थी जिसमें सलमान खान और अनुष्का शर्मा ने बतौर लीड एक्टर्स की भूमिका निभाई थी। फिल्म की स्टोरी किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आधारित नहीं थी बल्कि हरियाणा में पहलवानी का जो कल्चर है उसको फिल्म में काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया और साथ ही में एक पहलवान के जीवन के कैरेक्टर को मूवी में बहुत ही बारीकी से उतारा गया। 143 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 623 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अनुष्का शर्मा और सलमान खान के अलावा इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने एक छोटा पर बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया था और फिल्म देखने वाली ऑडियंस जितनी ज्यादा सलमान की तारीफ कर रही थी उतनी ही रणदीप की एक्टिंग स्किल्स को भी पहचान रही थी जो कि किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 8 पर जो फिल्म है वो है मुक्काबाज। मुक्काबाज मूवी जो कि 2017 में रिलीज हुई थी वह एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी जिसमें एक बहुत पैशनेट बॉक्सर की कहानी को दिखाया जाता है और साथ ही में किस तरीके से वह बॉक्सिंग फेडरेशन के हेड से ही दुश्मनी मोल लेता है और फिर उसके बाद उसकी भांजी से ही प्यार कर बैठता है। कुछ इस तरीके की कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई और केवल 10 करोड़ रुपये ही कमा पाई पर इसके बावजूद भी जब इस फिल्म को लोगों ने अपने लैपटॉप और फोन स्क्रीन्स पर देखा तो उन्हें फिल्म इतनी पसंद आई कि तब उन्होंने ख्याल करा कि इस फिल्म को तो सिनेमा हॉल में जाकर देखना चाहिए था। फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया और साथ ही में इस फिल्म में विनीत कुमार सिंह, जिमी शेरगिल और रवि किशन की एक्टिंग की खूब तारीफें भी करी। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा। आप बेशक इस फिल्म को देखना बहुत इन्जॉय करेंगे। दोस्तों कुछ इसी तरीके से नंबर 7th पर जो फिल्म है वो है मैरी कॉम। मुझे उम्मीद है कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम किस फिल्म के बारे में और किस बॉक्सर के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही मैरी कॉम जिन्होंने बॉक्सिंग में अनेकों मेडल जीते और भारत देश का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है और उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये फिल्म जिसमें दिखाया गया है मैरी कॉम के संघर्ष से लेकर सफलता के इस मुकाम तक की कहानी को और साथ ही में बॉक्सिंग के लिए उनकी डेडिकेशन और पैशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मूवी में मैरी कॉम का किरदार निभाया है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक्टिंग और मेहनत से मूवी में काफी जान डाल दी जिस वजह से मूवी का आउटकम भी काफी बेहतरीन रहा। 18 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया। इसी के साथ आज की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर जो फिल्म है उसका नाम है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 2016 में रिलीज हुई मूवी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जिसकी कहानी आधारित थी रियल लाइफ लेजेंड और इंडिया के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर। और आज की तारीख में धोनी को किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया उनकी कप्तानी और उनकी बैटिंग का लोहा मानती है और मूवी में महेंद्र सिंह धोनी के संघर्ष से शुरू हुए सफलता तक के इस मुकाम को काफी बारीकी और बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मूवी में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने और उनके साथ लीडिंग एक्टर्स के तौर पर काम किया है
कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी ने। ये मूवी तीनों ही एक्टर्स के लिए उनके करियर की लाइफ चेंजिंग मूवी साबित हुई और साथ ही में 104 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 204 करोड़ रुपयों का कलेक्शन भी किया। इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इस फिल्म में इंडियन टीम के खिलाड़ियों के किरदार को निभाने के लिए कई फेमस एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, पर वह फिल्म में अपनी जगह नहीं बना पाए। फिल्म में युवराज सिंह के किरदार के लिए जॉन अब्राहम, विराट कोहली के किरदार के लिए फवाद खान और ग्रेग चैपल के रोल के लिए कादर खान को अप्रोच किया गया था, पर बाद में दूसरे एक्टर्स ने उनको इस फिल्म प्रोजेक्ट पर रिप्लेस कर दिया। फिल्म में लीड रोल निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इस फिल्म में MS धोनी के किरदार को निभाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। उन्होंने धोनी की पूरी जिंदगी को बहुत डीपली स्टडी करा और इतना ही नहीं बल्कि वह धोनी को और अच्छे से जानने के लिए उनके साथ कई सारे लंबे Q&A सेशंस भी करते थे, जिसमें वो धोनी से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछते थे ताकि वो धोनी की साइकोलॉजी और मानसिकता को और बेहतर तरीके से समझ सकें, ताकि वो धोनी के किरदार को बड़े पर्दे पर और भी ज्यादा एक्यूरेटली प्ले कर सकें। नंबर 5th पोजीशन पर जो फिल्म है उसका नाम है भाग मिल्खा भाग। वैसे तो ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप उतनी ही एनर्जी और मोटिवेशन को फील करेंगे जो दशकों पहले मिल्खा सिंह ने रेसिस में दौड़ते वक्त करी होगी। मूवी की कहानी आधारित है रियल लाइफ हीरो मिल्खा सिंह के जीवन पर, जो कि एक नेशनल चैंपियन रनर और ओलंपियन है। मूवी में मिल्खा सिंह का किरदार निभाया है फरहान अख्तर ने, और फरहान इस किरदार को निभाने के लिए जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे थे उसकी तारीफ करनी तो बनती है। फरहान के फिल्मी करियर का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मिल्खा सिंह जिन शूज को पहनकर रोम ओलंपिक्स में दौड़े थे, वो उन शूज को फिल्म की शूटिंग के दौरान फरहान अख्तर के लिए एक तोहफे के तौर पर लेकर आए थे। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 210 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और फरहान अख्तर के करियर की भी लाइफ चेंजिंग मूवी रही, और आज भी फरहान अख्तर को उनकी 2013 की फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए तारीफें मिलती हैं। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 4th पोजीशन पर जो फिल्म है वो है पान सिंह तोमर। 2012 में रिलीज हुई ये मूवी भी बायोग्राफिकल ट्रू स्टोरी थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से पान सिंह तोमर, जो कि एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और नेशनल गेम्स में लगातार 7 बार गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं, लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनकी जिंदगी कुछ इस कदर बदलती है कि वह बागी बन जाते हैं। फिल्म में पान सिंह तोमर का किरदार निभाया है इरफान खान ने। इरफान खान यूं तो हर फिल्म में ही अच्छी एक्टिंग करते थे, लेकिन ये उनकी उन कुछ फिल्मों में से एक है जिन्हें आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। 7 करोड़ रुपयों के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया। फिल्म को सिनेमा घरों से ज्यादा टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया। लिस्ट में 3rd पोजीशन पर जो फिल्म है वो है चक दे इंडिया। 2007 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है एक फॉर्मर हॉकी टीम कैप्टन कबीर खान के बारे में। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसमें यह दिखाया गया है कि एक हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन को टीम से निकाल दिया जाता है और उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वह कमबैक करता है बतौर वुमेन हॉकी टीम कोच बनकर। और इस मूवी में कोच और हॉकी टीम कैप्टन का किरदार निभाया है खुद शाहरुख खान ने, और इसके अलावा फिल्म में सगारिका घाटके, चित्रांशी रावत और शिल्पा शुक्ला ने फीमेल टीम के कुछ प्लेयर्स की भूमिका निभाई। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया और उसी के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, इसी तरीके से आज की लिस्ट में 2nd पोजीशन पर जो फिल्म है वो है लगान। 2001 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी आधारित है ब्रिटिश राज के समय के एक भुवन नाम के लड़के के बारे में, जिसने उस समय के कैप्टन एंड्रयूज को चुनौती दी थी कि यदि भुवन और उसकी टीम क्रिकेट के मैच में एंड्रयू और उसकी टीम को हरा देंगे तो भुवन जिस गांव में रहता है वह गांव उनकी सरकार को अगले 3 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं देगा। फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और भुवन नाम के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है आमिर खान ने। 24 करोड़ रुपयों के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था। फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इस फिल्म को गुजरात के कच्छ में एक गांव में शूट किया गया था, जिसके बिल्कुल नज़दीक ही एयरफोर्स बेस था, और यहां दिन में 3-4 बार प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड किया करते थे, जिस कारण फिल्म की शूटिंग को बीच में 20 मिनट के लिए रोकना पड़ जाता था।
इसी के साथ आज की वीडियो में नंबर फर्स्ट पोजीशन पर जो फिल्म है उसका नाम है दंगल। 2016 में रिलीज हुई मूवी दंगल की कहानी आधारित थी फोगाट फैमिली पर, यानी कि महावीर सिंह फोगाट और उनकी दो रेसलर बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट पर। इस फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है, जो कि एक रेसलिंग ट्रेनर हैं, जो अपनी बेटियों को कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए ट्रेन करते हैं। मूवी की कहानी मजेदार है, लेकिन साथ में मूवी में आमिर खान की एक्टिंग और भी ज्यादा बेहतरीन है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट किस लिए कहा जाता है। 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2024 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था, और इसी के साथ ये फिल्म हमारे देश की कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया और अच्छा जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।